हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका लाइफस्टाइल। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो है टाइसन और जुजू पे। सो देखते हैं, आज इनका नेल कट करवाने जा रही हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। घर घर क्या करते हैं बपर आवे के ताज रहे हो ये तो दिवस ही नहीं था। सो गाइस, यहाँ पे ना टाइसन के नेल कट करवा रहे थे तो इसलिए इन लोग को लेके आए थे हम बाहर। सो अभी इसके नेल कट हो गए, डॉक्टर से थोड़ा सा नेल एक्स्ट्रा कट गया था। सो ब्लडिंग वगैरह होना शुरू हो गई थी और जुजू थी आगे पीछे पूरा घूम रही थी, इसका नेल कट हो चुका था और ये सब आगे पीछे ढूंढ रही थी खेल रही थी। और टाइसन परेशान हो गया था बेचारा, पहली बार बाहर गया नेल कट करवाने। देखो उसका जीप पीके से लटक रहा था बेचारा, सो क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे बिल्लो को हम टाइसन और जुजू को घर छोड़ के आए थे, बिल्लो को फिर लेके गए थे हम लोग बाहर लेके गए थे उसको। सो उन लोग को घर छोड़ के फिर हम लोग लेके गए, फिर बिल्लो के नेल कट करवाने थे तो यहाँ पर फिर बिल्लो को भी लेके आए हम लोग नेल कट के लिए। और बिल्लो बिल्कुल भी बैठने को तैयार नहीं थी बेचारी, इतनी क्यूट तरीके से बैठी थी ना, देखो ना कितना प्यार से। फिर मैंने इनको बोला कि आप इसको लेटा के करो, ये ऐसे बैठ के नहीं करवा पाएगी। तो फिर इन्होंने फाइनली उसको लेटाया करके, वरना इसका नेल कट अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ये देखो यहाँ पर इन्होंने इसको लेटा दिया, फिर उसके बाद में इसका नेल कट अच्छे से हुआ। और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग नेल कट करवाने गए थे वहाँ पे उनके पास ना रैबिट्स भी थे, उन्होंने रखे हुए थे, बड़े प्यारे थे, क्यूट से। और उनको गाजर वगैरह गोभी वगैरह ये सब काट के दिया तो खा भी रहा था वो, तो बहुत क्यूट लग रहा था। कैसे रेड रेड उसकी आइज़ थे करके ऐसा। वहाँ पे एक छोटा बेबी था वो वहाँ पे मतलब था करके, वो भी फोटो सेशन उसका चल रहा था। लगा ये ब्लॉग, सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।